हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो आज हम करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपलसी पैट के प्रैक्टिस सेट्स की शुरुआत। ठीक है, आज से लेकर आपके एग्ज़ाम वाले दिन तक मैं डेली एक प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व कराने वाली हूँ। आपको क्या करना है, बने रहना है मेरे चैनल के साथ और डेली हम 100 क्वेश्चन का एक कम्प्लीट प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट। तो आज मैं शुरुआत जो कर रही हूँ वो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर से कर रही हूँ, जो प्रीवियस ईयर पेपर 2021 में हुआ है। ये 24 अगस्त का पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। ठीक है, तो पहले हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, उसके इसी आधार पर आगे के नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट्स मैं सॉल्व कराऊंगी आपकी मतलब एग्ज़ाम डेट तक। ठीक है, जैसा कि आपको पता है एडमिट कार्ड्स अलॉट हो चुके हैं आपको अपने एग्जाम सेंटर्स के बारे में भी पता चल चुका होगा। तो अभी फिलहाल कोई न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ने से अच्छा है कि हम मोर एंड मोर प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ओके, तो देखिए इसमें शुरुआत में ही एक डाटा इंटरप्रिटेशन से दे दिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, डीआई का क्वेश्चन है पूरा, हमें पहले ये कॉलम देखनी है, उसके अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। 1 to 5 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। तो पहले आप कॉलम देख लीजिए ध्यान से, और मैं थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ। ठीक है, देखिए कॉलम कुछ इस तरीके से है, 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन, एंड दूसरी साइड दिया है सेल्समैन ए बी सी डी ई। ठीक है, और उनका सम भी दिया हुआ है। चलो सम देते हैं, तो ऐसी कॉलम में हमारा काम और भी आसान हो जाता है जिस कॉलम में हमें सम पहले से गिवन हो। ठीक है, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग करेंगे क्योंकि हमें 100 क्वेश्चन करने हैं, तो मैं थोड़ा स्पीडली ही लेकर चलूंगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया है आपने आई होप। क्वेश्चन है 2018 का आंकड़ा की बात कर रहा है, बी का कमीशन पूछा गया है, बी का कमीशन बाकी के जो 5 सेल्समैन हैं उनके उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था। तो आपको सिंपली क्या करना है, देखिए 2018 पर चलते हैं, 2018 का ये है सारा कमीशन ओवरऑल, आप देख पा रहे होंगे इसका टोटल सम भी दिया हुआ है, और भी काम आसान हो गया आपका। तो ये पांचों के कंपैरिजन में बी का कमीशन का परसेंटेज पूछा है, तो आपको क्या सीधा सीधा क्या करना है, देखिए ये जो टोटल सम दिया है इसमें से बी का जो है इसका परसेंटेज निकालना है। तो आप क्या करोगे, 100 upon 146,960 and into 28,000। ठीक है, तो आप इसकी कैलकुलेशन करोगे, तो कैलकुलेशन करके आपको आंसर क्या मिलेगा इसका, ये लगभग आएगा 19.05 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यही है। ठीक है, 19.05%। ठीक है, मैंने तरीका आपको बता दिया है कि कुल सम में से आपको बी का कमीशन का परसेंटेज निकाल लेना है। ओके, चलें आगे। सेकंड क्वेश्चन है, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। तो देखिए फिर से हम अपने कॉलम पे चलेंगे, ये कह रहा है किस सेल्समैन का, ध्यान से क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, 2018 में जो कमीशन है 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि है, मतलब 2018 में सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है उसी के कमीशन में हुई है। तो देखते हैं, देखिए 2015 और 2018 का कंपैरिजन करना है बेसिकली। आप एक तो तरीका ये है कि 2015 का जो भी हर एक जो सेल्समैन है उसका 2015 का और 2018 के आंकड़ों को आपस में माइनस कर लें, जिसका ओवरऑल आंसर ज़्यादा आता है वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर हम देख के भी पता कर सकते हैं कि किसमें ज़्यादा अंतर आ रहा है, देखिए यहाँ 350 है और यहाँ 29,800 है, तो इसी अकॉर्डिंगली आपको आंकड़ों में कंपैरिजन कर लेना है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए बेसिकली हमें क्वेश्चन ध्यान से देखना है, उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में राइट आंसर क्या होगा, यस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। सी का अगर हम एक बार फिर से देखें, देखिए सी का सेल्समैन का देखते हैं 26,200 एंड 2018 के आंकड़े में देखें तो यहाँ पर है 29,100।
ठीक है, तो कंपैरिजन एज कंपेरेटिव टू अदर्स इसमें ज्यादा वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मतलब सेल्समैन नंबर सी, ठीक है। थर्ड देखते हैं, थर्ड इज निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है, ठीक है, तो किस साल में है ये देखना है। तो बेसिकली अगर आप कॉलम को ध्यान में रखकर वीडियो को पॉज कर अगर आंसर ढूंढेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो डी आई आए थे बहुत ही ईजी थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बेसिकली क्या है, वापस से हम कॉलम पे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन एक बार दोबारा से रीड आउट कर लो। किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है, देखिए उच्चतम कमीशन और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है, देखिए सोचिए आंसर कीजिए, आपको अपने आंसर एक नोटबुक पे लिखते हुए चलना है, आपको अपना मतलब आंसर करेक्ट लिखते हुए चलना है, मैच करना है कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट हो रहे हैं। बेसिकली आप अंतर पाओगे ना इसमें, तो अंतर भी आपको सी सेल्समैन के में मिलेगा आई थिंक, देखिए न्यूनतम और अधिकतम में, ठीक है, और कौन से ईयर में ज्यादा है, इसमें ईयर की बात की गई है ना, तो ईयर है हमारा आई थिंक 2019, ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2019, ओके। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ इज वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है, तो देखिए 2019 की बात कर रहा है और सेल्समैन डी और ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है, मतलब ए का डी कितना परसेंटेज है 2019 में, देखते हैं, देखिए 2019 के आंकड़े ये रहे आपके सामने। अब इसमें ए और डी के बीच में कंपेरिजन करने की बात कही गई है क्वेश्चन में, ठीक है, ए एंड डी, ओके, तो ए एंड डी को देख लेते हैं फिर, 2019 ए का है 24,600 और डी है हमारे पास 29,800, तो 29,800 ए मतलब डी का कितना प्रतिशत है ये तो पूछा गया है, देखिए डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का कितने प्रतिशत है, ठीक है, तो बताइए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे डी द्वारा जो अर्जित कमीशन है वो है 29,800, ठीक है, और ए द्वारा जो अर्जित कमीशन है वो है 24,600, ठीक, तो हम ए के अर्जित कमीशन के कंपैरिजन में हम देख रहे हैं, तो ए को हम क्या मानेंगे, ए को अपना 100% मानेंगे हम, ठीक है, और जब हम ए को 100% मान रहे हैं तो इसी का हम 29,800 निकालेंगे, तो ये लगभग हमारा बैठेगा 121%, ठीक है, जो कि हमारा एक भी ऑप्शन नहीं है इसमें से, तो हम इसका वैसे यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, आई थिंक 121 यहाँ होना चाहिए था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम 24,000 ये जो हमारा इसका कमीशन है ए का कमीशन है, ए का कमीशन जो 24,600 है, ये देखिए 2019 की बात कर रहे हैं यहाँ, 24,600 इसका 29,800 कैसे परसेंटेज निकाल सकते हैं, इसका ये परसेंटेज निकलना है, तो हम अगर 24,600 को क्या मानेंगे, 100% मानेंगे, ठीक है, अब 100% इसे माना है तो इसी का हमें 29,800 लेना है, तो इसे किस आधार पे करेंगे हम, करेंगे 100 अपॉन में 24,600 एंड इनटू 29,800, ठीक है, तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे जीरो से जीरो कट कर सकते हैं और इस डबल जीरो और ऐड हो जाएंगी इसमें, ठीक है, और जब इसे टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग आएगा आपका 121.13%, ठीक है, तो हम ऑलमोस्ट देखें अप्रॉक्स देखें तो 121 ही मानेंगे हम इसे, ठीक है, अब 121 इसमें से कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हम इसका राइट आंसर कौन सा कर देंगे, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए,
आई होप इट इज क्लियर टू यू. अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं. फिफ्थ है, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्षों की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है. देखिए सी का कौन से साल में पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, तो सी का देख लेते हैं. सी का कंपैरिजन करना है हमें बेसिकली यहाँ पे, ठीक है. तो यहाँ देखती है सी का, देखिए सी का पूरा डेटा देखते हैं. सी का देखिए 26,200, 27,800 लगभग डिफरेंस देख लीजिए. अब 28,200 है, फिर 29,100 है, फिर 29,400, फिर 30,000. तो किस साल में ज़्यादा वृद्धि हो रही है पिछले साल के मुकाबले. देखिए यहाँ पर अगर अंतर देखें तो बहुत ही कम है, 600 का अंतर है मात्र, ठीक है, 2019 और 20 वाले आंकड़े में. यहाँ तो 600 का अंतर है. अब यहाँ देखिए यहाँ तो केवल 300 का ही अंतर है 29,100 में 400 में, ठीक है. अब यहाँ देखिए 28,200 और 29,100, यानी कि यहाँ हो गया 900 का अंतर. और यहाँ पर 27,800 और 28,200 से ये यहाँ पर है 400 का अंतर, ठीक है. लेकिन अगर हम यहाँ देखें 15 से 16 के बीच में 26,200, यानी कि 800 इधर 27,000 तक पहुँचने के लिए 800, ये 1,600 का यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 1,600 का, ठीक है. तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस किसमें है, 15 से 16 के मुकाबले में. तो आंसर हो जाएगा 2016, ठीक है. तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 2016, ठीक. अब देख लीजिए इसमें अगला भी एक और हमें डीआई से ही क्वेश्चन है, डाटा इंटरप्रिटेशन से. तो अब इस तालिका को भी देखना है और इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक के आंसर्स करने हैं. जस्ट अ मिनट, यस, क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक के. तो आप सबसे पहले कॉलम को रीड आउट करेंगे ध्यान से. इसमें कहा गया है, देखिए आई होप इट इज क्लियर टू यू, आपको साफ साफ दिख रही होगी कॉलम. देखिए इसमें कहा गया, पहला, विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या, ठीक है. तो ये विभिन्न महीनों में मतलब मई में ये खाते खुले हैं, ठीक है, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, और ये 4 शेयर ब्रोकर हैं जिनके खाते खोले गए हैं, ठीक है, और ये सैकड़ों में हैं, ठीक है, यानी कि ये 2500 है. ओके, शेयर ब्रोकर ये हैं एजल, शेरखान, जेरोधा और ट्रेडबुल, ठीक है, और जून में है, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में. ये हो गए हमारे आंकड़े, और ध्यान रखना आंकड़े किसमें है, सैकड़े में, ठीक है. तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं क्वेश्चन पे. पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन कहा गया है, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज्यादा थी, ठीक है. तो अगस्त और जून का कंपैरिजन करना है बेसिकली, और सारे खातों का कंपैरिजन करना है, अगस्त एंड जून का. देखिए अगस्त और जून के खाते, अगस्त और जून के, पहले हमें सबका टोटल करना पड़ेगा. जून का ये है और अगस्त का ये है, ये कितना हो गया, 5, 5, 10 एंड 6, 7, 3, 10 और 3, 13, 18, 180. इधर भी अगर हम ऐड करें तो 16, ठीक है. अब ये इसका कितना प्रतिशत है ये चेक करना है आपको, ठीक है. तो बताइए किस तरीके से होगा, ये 133, ठीक है, और 180. तो कंपैरिजन करेंगे तो हम कैसे करेंगे, 180 माइनस, क्योंकि परसेंटेज में पूछा गया है तो ये सॉरी 133 है ये, ओके. और अपॉन में क्या लेंगे, अपॉन में लेंगे 133 क्योंकि इसी का परसेंटेज पूछा गया है, इनटू 100, ठीक है. जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा लगभग 35.3%, ठीक है. तो हमारा राइट आंसर क्या होगा देखते हैं, यस, इसमें होगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी, 35.3%, ठीक है. अब क्वेश्चन 7 देख लेते हैं. क्वेश्चन 7 है, मई से सितंबर तक एंजल के में खुले खाते की संख्या से जोरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या होगा. देखिए मई से सितंबर तक पूछे गए हैं एंजल में खुले खाते और जोरोधा में खुले खातों का अनुपात. तो सबसे पहले मई से सितंबर तक के इनके खाते ऐड ऑन करने पड़ेंगे. देखिए मई से सितंबर तक एंजल के मतलब इसमें हॉरिजेंटली सबमिट करना, मतलब सबमिशन करना है इसका, ठीक है. तो इनको ऐड किया जाएगा, उसके बाद जेरोधा वालों को, तब इनका रेशियो निकाला जाएगा, ठीक है.
तो इसका आंसर क्या बनेगा लगभग, जब हम इनको ऐड ऑन करेंगे 25, 28, 35, 65 एंड 55, इसका एडिशन बनेगा लगभग 20, 208, ठीक है। और इसको जब एडिशन करेंगे तो इसका एडिशन बनेगा 200। अब इनका जो रेशियो निकल के आएगा वो कितना आएगा, देखिए 2 से कट कर लें तो ये 104 है और ये 100 है, ठीक है। अब 100 और 104 तो अनुपात, चाहे तो आप इसे ही मान लीजिए, या अगर हम 100 से काटे तो 1.04 हो जाता है, ठीक है। तो ये होगा अनुपात, देख लेते हैं इसमें राइट आंसर 1.04, ठीक है। नेक्स्ट 8, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है, बताइए किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसतम संख्या सबसे अधिक है, महत्तम का मतलब हो गया सबसे अधिक, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, जोरोधा, ट्रेडबुल, शेरखान और एंजल, ठीक है। तो देख लेते हैं, सबका सबमिशन करना है बेसिकली आपको। देखिए हमने अभी देखा कि इसका सबमिशन क्या आ रहा था, एंजल का 208 आ रहा था, और जो जोरोधा था इसका 200 आ रहा था। बाकी दो को ऐड कर लीजिए, पता चल जाएगा आपको किसको ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन औसत संख्या पूछी गई तो औसत के लिए 5 से डिवाइड और करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या होगा, ट्रेडबुल है इसका करेक्ट आंसर। जब आप ऐड करोगे इसका औसत निकालोगे तो इसका राइट आंसर ट्रेडबुल निकलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ट्रेडबुल। अब 9 पे चलते हैं। 9 है, ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेरखान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है। तो देखिए उससे पहले वाले क्वेश्चन से रिलेट करता हुआ है, क्योंकि उसमें औसत निकाले हमने सभी के। अब उसमें से ये पूछा गया है कि कंपैरिजन कहा गया है कि मतलब ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेरखान के खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितने प्रतिशत या कम या ज़्यादा है, ठीक है। तो औसत का परसेंटेज निकालना है बेसिकली, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, अगर हम कॉलम पे चलें वापस, ट्रेडबुल और शेरखान का देखना है हमें, ट्रेडबुल का, ठीक है। ट्रेडबुल का जो औसत निकलेगा, इनका सबमिशन आएगा कुछ 232 अपॉन में, जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 5 4 20 एंड 5 6 30 एंड पॉइंट, ठीक है, 46.4। एंड अगर हम शेरखान का देखें तो शेरखान का ये है, इसको एडिशन करेंगे तो इसका एडिशन कितना होगा, लगभग 147। हम करेंगे इसे 5 से डिवाइड तो इसका औसत निकल के आएगा 29.4, ठीक है, 29.4, और इसका औसत है 46.4। अब हमें इनका परसेंटेज निकालना, तो परसेंटेज किसके कंपैरिजन में निकाला जा रहा है ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ शेरखान के कंपैरिजन में निकाला जा रहा था, तो जो कम वाला पॉइंट है ना वो नीचे रखा जाएगा, और प्लस इसमें से माइनस भी होगा, यानी कि 46.4 में से 29.4 को माइनस किया जाएगा, एंड अपॉन में भी 29.4 होगा और इनटू 100 होगा, ओके। तो जब इसका सॉल्यूशन निकलेगा तो इसका राइट आंसर बनेगा 57.82%, ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, यस ऑप्शन डी, ठीक है। नाउ ये हमारा डीआई का लास्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है। तो हमने देखो अभी पीछे ही औसत निकाली है, तो उससे भी आप पता कर सकते हो, वैसे तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका आंसर करना है, मई में, अगस्त में, सितंबर में, जून में, ठीक है। हमने जो औसत निकाला था अभी लास्ट में, तो वो निकाला था उसका जो शेयर ब्रोकर्स थे उनका यहाँ पे मंथली औसत निकाल के तब आपको बताना है। औसत निकालना आपको आता ही है, मंथली जो खाते खुले हैं उनका सबमिशन करना है, और टोटल कितने ओवरऑल ब्रोकर हैं, टोटल नंबर ऑफ डेटा देखते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर देना। तो 4 ब्रोकर हैं, 4 से डिवाइड हो जाएगा। सबमिशन कौन कौन से मंथ का करना है बेसिकली, हमें मई जून मतलब जो जो ऑप्शन में उनका करना है, पांचों मंथ का नहीं करना, जो ऑप्शन में उनका करना है, ध्यान रखना, मई, अगस्त, सितंबर और जून का, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या बनेगा हमारा,
इसमें राइट आंसर बेसिकली देखिए, इसमें जो औसत निकल के आएगा ना वो सितंबर का सबसे ज़्यादा आएगा, जैसा कि आप डिजिट्स के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हो, जिसकी नंबर की संख्या बड़ी होगी उसका ही जो औसत है वो बड़ा निकल के आएगा, ठीक है। तो इसमें बड़ी है तो इसलिए से, ठीक है। तो सितंबर, इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, सितंबर, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक। अब 11 क्वेश्चन, ठीक है। अब हमारा मैथ्स वाला जो डाटा इंटरप्रिटेशन वाला पोर्शन था वो कंप्लीट हो चुका है, अब हम चलते हैं 11 क्वेश्चन से, ठीक है। अब जीएस का कुछ पार्ट है, इसे देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, जस्ट अ मिनट, आई होप इट इज विजिबल टू यू। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे, तो आपको बताना है इनमें से कौन से वो संत थे जो शिवाजी के समकालीन थे, उनके कंटेम्परेरी थे। ऑप्शन है शंकराचार्य, नामदेव, चैतन्य, तुकाराम। तो शिवाजी, संत शिवाजी के जो कंटेम्परेरी रहे, समकालीन रहे, वो कौन थे? यस, इनका नाम था संत तुकाराम, ठीक है। संत तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। संत तुकाराम बेसिकली सॉरी 17वीं शताब्दी के महान संत माने जाते हैं, ठीक है। और ये महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्तंभ थे, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वेरी इजी क्वेश्चन, बताइए। ये तो हर कोई याद करता है, मॉडर्न हिस्ट्री जब भी आती है तो प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? यस, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ओके। ये प्रथम गवर्नर जनरल रहे बंगाल के, और इनका जो टेन्योर है वो है 1772 to 1785, ओके। इनके शासनकाल में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, याद हो आपको, 1773 में आया था, डेट के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हो, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में आया था, ठीक है, डेट से समझ सकते हो, ठीक है। ये आदि महत्वपूर्ण घटनाएं जो थी इनके ही शासनकाल में हुई, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के। अब 13 देखते हैं। चरक संहिता संबंधित है, बताइए चरक संहिता किससे संबंधित है? गणित से, वास्तुकाल से, चिकित्सा से, या फिर राजनीति से? तो बेसिकली देखिए, चरक संहिता को ना हम आयुर्वेद से रिलेट करके समझते हैं, ठीक है। तो आयुर्वेद भी, अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो आप चिकित्सा, अगर आयुर्वेद आए तो आप आयुर्वेद पे भी टिक कर सकते हो, ठीक है। तो ये चिकित्सा से रिलेटेड है। चरक संहिता आयुर्वेद चिकित्सा का एक मूल ग्रंथ है, ओके। यह प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृत भाषा में है, जिसके रचयिता कौन थे? चरक संहिता नाम से ही समझ आ रहा है कौन थे, आचार्य चरक, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे मैचिंग से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कहा गया है, 14 में, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम सहित क्रम क्या है? देखिए इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, मैचिंग नहीं है ये, हाँ इनके ईयर के अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। देखिए शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। देखिए इनमें से अगर एक का भी आपको डेट याद है तो आसानी से कर ले जाओगे। जैसे आपको पता है अकबर की क्या थी, 1556 to 1605, ओके। अगर हम बात करें शेरशाह सूरी की तो इनकी थी 1540 to 1545, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी, ये तो बहुत पहले आ गया था अकबर से, तो ठीक है, कब, 1296 to 1316, ये अलाउद्दीन खिलजी की हो गई। और इल्तुतमिश, ये तो सबसे पहले आने वाला था, ठीक है, 1210 to 1236। तो इसी के अकॉर्डिंग समझ लीजिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना, तो फोर्थ सबसे पहले आएगा, फोर्थ दो ऑप्शन में, तो बाकी दो ऑप्शन कट हो गए, है ना। और उसके बाद अगर हम देखें तो देखिए 1210 to 1236, उसके बाद तो अलाउद्दीन खिलजी आना चाहिए, यानी कि थ्री पार्ट, ठीक। उसके बाद कौन आएगा, शेरशाह सूरी, देन अकबर, ओके। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इज इट क्लियर टू यू? यस, 15। इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, बताइए किसको हम ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं? ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यू सी बनर्जी, दादा भाई नौरोजी,
व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, सोचिए आंसर कीजिए. यस, ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नरोजी को. ठीक है, इनका जो टेन्योर रहा वो भी ध्यान रखना है, 1825 टू 1917. ठीक है, दादा भाई नरोजी का. और उन्होंने सन 1867 में ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है, थियोरी प्रस्तुत की थी, जिसमें बताया गया था कि कैसे भारत का धन भारत से इंग्लैंड जा रहा है. ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ नामक थियोरी से बहुत ही फेमस हुए थे ये, ड्रेन ऑफ वेल्थ. हो सकता है इससे क्वेश्चन इस बार भी बन जाए, तो आपको ध्यान रखना है ड्रेन ऑफ वेल्थ. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे. देखिए, इस वीडियो को आई थिंक ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं इसे दो पार्ट में डालने वाली हूँ, 50 क्वेश्चन एक पार्ट में एंड 50 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में. तो आपको क्या करना है, दोनों पार्ट देखने हैं एक ही प्रैक्टिस सेट्स के. ठीक है, तो 16, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुई, बताइए. 1915-16 में किसके नेतृत्व में होम रूल लीग शुरू हुई थी? ऑप्शन है तिलक और अरविंद घोष, तिलक और बिपिन चंद्रपाल, तिलक और लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक. किसके नेतृत्व में हुई थी? यस, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में. ठीक है, 1915-16 में हुई थी, और इसे दो होम रूल लीग कहा गया तिलक के द्वारा. इंडियन होम रूल लीग अप्रैल 1916 में बेलगाम से शुरू हुई, और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग सितंबर 1916 से मद्रास से प्रारंभ की थी. ठीक है, 17 देखें, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा मैच नहीं है करेक्टली. ठीक है, एडी 1709 औरंगजेब की मृत्यु, और 622 मुस्लिम युग की शुरुआत, 778 शक संबत की शुरुआत, 261 कलिंग युद्ध. बताइए कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है. देखिए इसमें शुरुआत में पहला ही गलत है, इसमें 1707 था औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी. ठीक है, बाकी सारी डेट्स करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. 18, करो या मरो का नारा किसने दिया? वेरी इजी, दिस इज द इजीएस्ट वन. किसने दिया था? महात्मा गांधी ने. ठीक है, अब आपको बताना है कब दिया था. देखिए ये दिया था भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 हुआ था ना, उसी के दौरान ये नारा दिया गया था. ठीक है, करो या मरो का. और भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? वो दिया था यूसुफ मेहर अली ने, ये भी ध्यान रखना है. ठीक, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. देखिए ये मिलान करने वाला है, ध्यान से देखना है और करना है. ठीक है, देखिए ब्रह्म समाज को किससे मैच करोगे? रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्य शोधक समाज. वेरी इजी, ब्रह्म समाज को किससे मैच करेंगे? राजा राम मोहन राय से. ठीक है, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद. आई थिंक इससे ही बन जाएगा. ए का थर्ड कितने में आ रहा है? तीन में आ रहा है, एक को तो हटा ही सकते हैं. ठीक है, और बी का फर्स्ट दो में आ रहा है, तो ए भी कैंसिल. अब सी और बी ऑप्शन बचते हैं हमारे पास. नेक्स्ट देख लेते हैं, आर्य समाज. आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती, यानी कि सी का सेकंड होना चाहिए. सी का सेकंड किस में है? सी में ही है, लेकिन इसमें भी है, बी में. ओके, तो अभी हमारे पास दोनों ही ऑप्शन जारी हैं. सत्य शोधक समाज, इसकी स्थापना किसने की? के श्रीधराल नायडू या ज्योतिराव फूले. तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिराव फूले ने. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट, देखिए सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है, बताइए. सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शंस हैं ब्यास, चिनाब, रावी, झेलम.
यस, ये स्थित है चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और इसकी अभिकल्पना 1920 में की गई थी और प्रोजेक्ट की बिहार तट संबंधी अध्ययन वर्ष 1951 से शुरू हुआ, ठीक है, और 1970 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बसंत विषुव होता है, बताइए बसंत विषुव होता है कब? 22 दिसंबर को, 23 सितंबर को, 18 जून को, 21 मार्च को? बसंत विषुव कब होता है? ये होता है 21 मार्च को, ठीक है। स्थिति को उपसौर बिंदु दक्षिणी गोलार्ध की को छोड़कर उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। स्थिति को क्या होता है? उपसौर बिंदु, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध को छोड़कर उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 22, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना, आई थिंक ये खेजड़ी होना चाहिए था, खेजड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, एल्यूमिनियम, तांबा, इस्पात, जस्ता, तो ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। 23, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था, बताइए। जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था तो इस पद, उनके पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? जे बी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पट्टा बी सीतारामैया या फिर जवाहरलाल नेहरू? यस, ये प्रस्ताव दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 24, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? देखिए, कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। आई थिंक इसमें ये कुछ मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। देखिए इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, जो हिमालय नदी तंत्र है ना, उसकी नदियां कौन सी हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। गोदावरी तो दक्षिण भारत की नदियां हैं, ठीक है, कावेरी भी, तो सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? गंगा और ब्रह्मपुत्र, यानी कि सेकेंड और थर्ड, ठीक है, इसका राइट आंसर ये है। नेक्स्ट 25, बैंक दर का अर्थ बताइए क्या होता है? बैंक दर का अर्थ, ऑप्शन ए है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर या फिर साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर। तो बैंक दर क्या होगी? जो आरबीआई द्वारा डिसाइड होती है, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, ठीक है। 26, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, बताइए काजीरंगा, वेरी इजी, जो एक सिंह वाले गैंडे के लिए भी फेमस है। यस, कहाँ है? असम में। नेक्स्ट 27, यस, इसे देखते हैं। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो बताइए किस अर्थव्यवस्था में, वैश्विक, मिश्रित, समाजवादी या पूंजीवादी? यस, संसाधनों पर निजी अधिकार होता है और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है, तो ऐसे कौन होंगे, किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ये हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के, ठीक है। नेक्स्ट 28, 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित है होता है? वित्त सचिव, वित्त मंत्री, आरबीआई गवर्नर या फिर भारत के राष्ट्रपति? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, किसके द्वारा हस्ताक्षरित होगा? आरबीआई गवर्नर के द्वारा। नेक्स्ट 29, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो
तो साख सृजन पर क्या असर होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसमें से कोई नहीं, बढ़ जाएगी, कोई असर नहीं होगा, या घट जाएगी। देखिए साख सृजन पर क्या असर होगा, तो साख सृजन घट जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि नगद कोष अनुपात को बढ़ा दे तो साख सृजन जो होती है वो घट जाती है। नेक्स्ट 30, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? संविधान में ध्यान रखना है किसमें शामिल है, संघ सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची, किस सूची का विषय है ये? जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। यस, जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है वो राज्य सूची का विषय है। ठीक है, जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, स्थानीय शासन, मत्स्य पालन, सिंचाई, कृषि, सड़क, वन इत्यादि राज्य सूची में शामिल विषय हैं। और वर्तमान समय में राज्य सूची में कितने विषय हैं? टोटल 61 विषय हैं, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट 31, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? बताइए किसके अंतर्गत रखी गई है? राज्य नीति के निदेशक तत्व के, मौलिक कर्तव्य, मूल अधिकार, या इनमें से कोई नहीं? भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? वेरी इजी, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट 32, फेमा का पूर्ण रूप बताना है। फेमा स्कीम जो चली थी, फेमा, फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी, फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, या फंड्स एक्सचेंज मीडिया एजेंसी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? फेमा। यस, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 33, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बताइए उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। कब रखा था? 13 दिसंबर को, और 1946। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसे कब स्वीकार कर दिया गया? 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट, यस 34, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? आई थिंक इसमें कुछ मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, हम लिख देते हैं, ये मान लीजिए आर्टिकल 29, इसे 24 और इसे 21। ठीक है, बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? जैसा कि आपको पता ही है, अनुच्छेद 29 में, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। अच्छा, 24 में क्या है? इसमें है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करना। ठीक है, और अनुच्छेद 21, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति के प्राण एवं देह की स्वतंत्रता की सुरक्षा। नेक्स्ट 35, ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं, इनमें से कोई नहीं? मुक्त इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। यस, ठोस चालक में धारा वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये धारा वाहक होते हैं, वे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु से किसी कक्षा में नहीं होते, परमाणु में किसी कक्षा में नहीं होते, ठीक है, बल्कि स्वतंत्र हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। नेक्स्ट 36, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है अनुच्छेद, देखिए आर्टिकल यहाँ पे लिखे जाने चाहिए थे, ये मिसप्रिंट हो गए हैं। ठीक है, देखिए बेसिकली मैं इसका सीधे सीधे आंसर बता देती हूँ आपको, आर्टिकल 21A से संबंधित है। ठीक है,
जबकि अनुच्छेद यहाँ पे जो आर्टिकल था वो 29 था या 30 था, ठीक है। नेक्स्ट 37, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम बताइए, क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम? यस, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 38, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत 100%, 80%, 60%, 75%। यस, जैसे कि हम जानते ही हैं 24 कैरेट जो होता है उसे हम 100% मानते हैं लगभग, ठीक है, तो 18 कैरेट है तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहा जाता है 75%, ठीक है। नेक्स्ट, संतरे में बहुतायत होता है, क्या होता है संतरे में, इनमें से कोई नहीं, विटामिन, देखिए विटामिन यहाँ पे लिखने थे, यस, विटामिन सी, ए या फिर बी, तो आप समझ ही गए होंगे संतरे में क्या होगा, विटामिन सी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, खट्टे पदार्थों में यही होता है। नेक्स्ट देखिए, अब ये कुछ मैथ से रिलेट करते हुए क्वेश्चन आए हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आई होप इट इज क्लियर टू यू, 40 नंबर है क्वेश्चन का, ठीक है, और मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। देखिए क्वेश्चन ऐसे है कि क्वेश्चन में रूट में क्वेश्चन मार्क दिया है और अपॉन में 196, अब इसका करेक्ट आंसर सोचना है और तब करना है, और इक्वल टू में दिया है 72/56, तो किस तरीके से करेंगे, देखिए सबसे पहले अगर पॉसिबल हो तो इसे शॉर्टेस्ट टर्म में बदल लेते हैं, ठीक है, जैसा कि आप समझ जानते हैं कि 8 के टेबल में दोनों आते हैं, कट कर लो 8 निम्न, ठीक है, 72 और 8 9 72 एंड 8 7 56, ओके, तो इस तरीके से 9/7 हो गया। अब रूट में दिया गया है क्वेश्चन मार्क एंड आई थिंक इसका होल स्क्वायर भी है, नहीं होल स्क्वायर नहीं, ओके, देखिए अब 9/7 हो गया, अब हम रूट और इसमें दोनों तरफ होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, क्यों कर रहे हैं हम होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर से रूट को ख़त्म किया जा सकता है, और यहाँ पे होल स्क्वायर करके हम इसका स्क्वायर कर लेंगे, 81 आ जाएगा और नीचे 7 7 49 आ जाएगा, ओके। अब हम क्या करेंगे, 196 को मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, ठीक है, अपॉन से, तो कितना होगा, बेसिकली ये बन जाएगा ओवरऑल 81/49 और यहाँ इंटू 196, और इसकी कैलकुलेशन करके हम क्वेश्चन मार्क का आंसर निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा बेसिकली 324, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 41 इज प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है, वेरी इजी, बताइए प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है, हवाई जहाज की गति की, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी, या फिर एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति, वेरी इजी, पढ़ के सुनते ही समझ गए होगे आप, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 42, इसके बराबर है, मतलब इसे सॉल्व करके क्या आएगा आंसर, बेसिकली रूट फाइव माइनस रूट थ्री अपॉन में रूट प्लस फाइव प्लस रूट थ्री, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसका परिमेयकरण, जैसा कि आप जान चुके होंगे 8th क्लास में परिमेयकरण करना सीख जाते हैं हम, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, अगर रूट वाली संख्या डिनोमिनेटर में दी है, ठीक है, तो इसी नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, तो हम ऊपर भी मतलब न्यूमिनेटर में भी रूट फाइव प्लस रूट थ्री से और डिनोमिनेटर में भी रूट फाइव प्लस रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इस आधार पे जो सॉल्यूशन निकलेगा वो निकलेगा 4 - √15, ठीक है। नेक्स्ट ये है हमारे पास टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ा हो, बताइए, ध्यान रखना है कि मूल्य 30% घटाए गए हैं,
तब बिक्री 20% बढ़ी है। यस, देखिए इसे हम, इसकी जो कैलकुलेशन बनेगी बेसिकली वो बनेगी, इसमें कमी आएगी, ठीक है। इसके ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं, आपको इन्हें नहीं देखना, इसकी कैलकुलेशन खुद करके देख लेनी है आपको, ठीक है। 44, चार खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है, अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र किस तरीके से करेंगे, देखिए चार खिलाड़ियों की औसत आय दी हुई है तो हम इसके कुल आय निकाल लेंगे, वो कुल आयु निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 18.5 में, और जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा कुल आयु होगा जाएगा 74, ठीक है। अब अध्यापक सहित जो चार खिलाड़ियों की औसत आयु थी वो कितनी बढ़ रही थी, 20% बढ़ रही थी, तो हम 18.5 का 20% निकालेंगे, यानी कि 20/100, ठीक है। तो 18.5 का जो 120% निकलेगा वो निकलेगा 22.2, ठीक है। और अध्यापक और चारों खिलाड़ियों की कुल आयु तो हम क्या करेंगे कुल आयु के लिए 22.2 × 5, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा। देखिए यहाँ पर जो हमारा 22.2 आया है ये एवरेज आया है पांचों उनका, ठीक है, पांचों खिलाड़ियों का, कोच सहित पांचों का, चार खिलाड़ी थे और एक कोच था। तो इसमें हम फिर कुल योग निकालने के लिए 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, जब हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर बनेगा, जस्ट अ मिनट, इसका आंसर बनेगा 11, ठीक है, 111। अब ये 111 जो आया है वो कोच की आयु को मिला के आया है, और जो चारों खिलाड़ियों की आ रही थी वो आ रही थी 74, तो इसे हम कर लेंगे इसमें से माइनस, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, 37। तो कोच की उम्र निकली 37, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 45, देखिए इसकी वैसे शॉर्ट ट्रिक भी है करने की, उस हिसाब से कर सकते हो, जैसे यहाँ पे सेम नंबर दिए हुए हैं, 3 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका क्यूब करके लिख लीजिए होल क्यूब, ऐसे ही 115 का भी क्यूब कर लीजिए। नेक्स्ट अब नीचे अगर हम देखें तो इसमें 2-2 के पेयर अप कर दिए गए यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा 885 का स्क्वायर प्लस 115 का स्क्वायर और माइनस 885 × 115। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऊपर क्यूब वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, ठीक है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब क्या होता है, उसी आधार पे करेंगे हम इसे सॉल्यूशन, ठीक। इसका राइट आंसर आएगा बेसिकली 1000, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 46, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है, देखिए अब हिंदी पार्ट से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो दर्प का पर्यायवाची सोचना है, ऑप्शन है स्वाभिमान, व्यथा, अहंकार या तिरस्कार। देखिए दर्प क्या होता है, घमंड को बोलते हैं बेसिकली, ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अहंकार, अहंकार, अभिमान, घमंड, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 47, मन को हारने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए, मन को हारने वाला कौन होगा, मदमयी, मदमस्त, मनोहर या फिर मर्मांतक। तो जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे, मन को हारने वाला मनोहर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अच्छा अगर मर्मांतक की बात करें तो ये किसे कहा जाता है, मर्मांतक कहते हैं मर्म स्थल को छेदने वाला, ठीक है। चलिए अब 48 देख लेते हैं, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ बताइए क्या होगा, कम बोलना, बहुत बोलना, थोड़े में बहुत कहना या दोहों की रचना करना। वेरी इजी, गागर में सागर भरना मतलब थोड़े में बहुत कुछ कह देना। 49, शुद्ध बर्तनी का चयन, अब बताइए इसमें से करेक्ट महत्वाकांक्षा कौन सा वर्ड है, करेक्टली कौन सा लिखा हुआ है, महत्वाकांक्षा, ध्यान रखना है जैसे जैसे प्रोनाउंस कर रही हूँ वैसे वैसे बनेगा महत्वाकांक्षा। देखिए यहाँ कर दिया है महत्वाकांक्षा, गलत हो गया। और अगर हम सी की बात करें, सी में कहा गया है
महत्वाकांक्षा, इसमें दो दो बार आ लग गया है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ देखें महत्व कांक्षा, तो इसमें आ का भी जो साउंड आ रहा है वो मिसिंग है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, महत्वाकांक्षा। ठीक है, 50 देखते हैं। एकल का विलोम शब्द क्या है बताइए, एकल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अकेला, उपयुक्त, पर्याप्त या बहुत या बहुल? जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, एकल मतलब अकेला और उसका अपोजिट पूछा है तो बहुल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ठीक है, फिर आज के अभी के लिए मैं इस पार्ट में इतने ही रख रही हूँ। बाकी के इसी प्रैक्टिस सेट के 50 जो क्वेश्चन है वो इसके सेकंड पार्ट में करूँगी। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करना है, और साथ ही आज ही कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है और आप आगे किस तरीके की तैयारी के करना चाहते हैं या किस तरीके की वीडियो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरे से। ठीक है, तो आपको अपने सजेशन जरूर लिखने हैं आज ही कमेंट बॉक्स में, जिससे कि मैं इसे कंटिन्यू रख पाऊँ, और ये जो मेरी सीरीज आपको कैसी लग रही है इसे ज़रूर बताना है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू। और जल्द ही मैं इसका सेकेंड पार्ट लेकर आऊँगी, जिसमें हम 51 से 100 तक के क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।